मिस सायरा, प्लीज अहमद को मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। सर वो तो ऑफ कर जा सके। क्यों, अभी तो सिर्फ 4 बजे। सर हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आई थी, उनके घर बेटे की विलादत हुई है। अच्छा अच्छा, चलें फिर तो हम मुबारकबाद की कॉल करेंगे उन्हें। ये लीजिए फाइल, थैंक यू। ओके सर। कारवाई बोलो। रात से बड़े अच्छे लहजे में बात करें, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? देखो रोही, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि मुख्तसरन बात करें। चलो मुख्तसरन बात कर लेते। मैं यहाँ आई हूँ अनीशा बीबी से मिलने। क्या मतलब है, क्यों आई उसके पास? क्यों क्या, मसला हल करने? रोही तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। खबरदार, खबरदार अगर तुमने अनीशा को कुछ भी बताने की कोशिश की। होंठों पर तो चुप की मोहर लग सकती है, मगर सच पर नहीं। और जो आपने अपनी बीवी को धोखा दिया है ना, वो तो बताना ही पड़ेगा ना। और उस धोखे के बदले और कितना कुछ छुपाएंगे उनसे? तो क्या करूं, पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के अपने जुर्म का इतराफ करूं क्या? आप तो नहीं कर सकते, मगर मैं तो कर सकती हूँ ना। तुम ये क्या कर रही हो, तुम क्या करने वाली हो? आपकी बीवी मेरे लिए जूस का ग्लास लेकर आई है, इसके खत्म होने से पहले आप घर आ जाए, वरना रूही का मुंह बंद नहीं रहेगा। रूही को तो बताना ही पड़ेगा ना, मसला हल करने के लिए। तो आप आ रहे हैं ना? कि जूस का ग्लास खत्म हो और आप यहां पर हो। रूही, रूही, मेरी बात सुनो रूही। हेलो हेलो। आराम आराम से पी लेती।